afternoon all friends, welcome to my channel. सबको मेरी तरफ से good afternoon. अभी मैं आई हूँ स्टेशन क्योंकि मेरी बेटी का अभी 1 बजे छूट गया ऑफिस से, तो मैं डायरेक्ट ट्रेन से घर पे ना जाके इधर आ गई, क्योंकि घर पे जाऊँगी फिर फ्रेश होंगी, ड्रेस चेंज करूँगी फिर पहनूँगी, उसमें बहुत टाइम जाएगा, प्लस मुझे बहुत ज़ोर से भूख भी लग गया, इसलिए मैं डायरेक्ट इधर आ गई स्टेशन पे, एकदम लेके चली जाऊँगी. बहुत ज़ोर से भूख लग गया मुझे, क्या करूँ, अभी घर पे जाके खाऊँगी कुछ, देखते पहले कुछ बनाना पड़ेगा फिर खाऊँगी. अभी बैक कैमरा करके दिखाती हूँ मैं कहाँ खड़ी हूँ, देखती हूँ. खड़ा रहने का नियम है वो साइड, राइट साइड में, लेकिन मैं खड़ी हूँ इधर क्योंकि वो साइड में बहुत धूप है, सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत धूप है, इसलिए मैं ये साइड में खड़ी हूँ. एक बड़ा पेड़ है ये देखो, देख सकते हो, पेड़ के नीचे मैं खड़ी हूँ. आज इधर मुंबई में गणपति विसर्जन है, लास्ट 10 दिन का विसर्जन है, इसलिए पूरा सब मार्केट बोले तो दुकान जो है, मेडिकल शॉप मार्केट दुकान सब बंद हो जाएगा. अभी आधा तो बंद ही हो गया, मैं आते आते देखी बहुत सारा दुकान बंद हो गया ऐसे. शाम को इधर भाजी बैठते हैं, सब्जी लेके, सब्जी वाला कोई भी नहीं बैठेगा, पूरा खाली रहेगा ऐसा. मुंबई में ऐसा ही होता है, 10 दिन में पूरा रोड खाली रहते, नहीं तो पुलिस मारते भगाते ऐसा करते, भाजी वाला को पकड़ के लेके जाते ऐसा. आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ घर पे जाके, पहले रेस्ट कर लूँगी, कुछ खा लूँगी, उसके बाद तब तक के लिए टाटा. हाय फ्रेंड, मैं फिर से आ गई, बहुत टाइम हो गया, अभी रात को 9 बजे वो ब्लॉक था, 3:30 बजे उसके बाद मैं कहीं गायब हो गई थी, फिर अचानक टपक पड़ी 9 बजे एक नींद मार के. इधर बहुत बारिश हो रहा है, बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है, एकदम तूफान जैसा बहुत हवा दे रहा है, ऊपर से बादल भी पूरा आसमान भर गया और बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया पूरा. अच्छा लग रहा है इस मौसम में, मैं फ़ायदा उठा लिया क्या, आधा घंटा नींद मारती, मेरे पति बाजू में सोया है, मैं चश्मा में बराबर नहीं दिख पा रही इसलिए अच्छे दिखते हैं, मेरे बाल देखो कैसे पुछड़ी जैसे हो गई, मेरे बाल बहुत झड़ रहे, और बाजू में मेरे हस्बैंड देख रहे हैं मुझे, और बत्ती से निकल के अभी रोटी बनाना है, टोनू मोनू को खाना देना है, बहुत काम है तो काम मैं कर लेती हूँ, पहले टोनू मोनू को खाना देती हूँ. टोनू मोनू सब इधर उधर है, छुपके बैठी है, खाना निकल के खाना दे देती हूँ, रोटी बना लेती हूँ, देखते हैं अगर रोटी खाने के टाइम वीडियो कर पाती हूँ तो ठीक है, नहीं तो एकदम कल सुबह नहीं, आज ही ये वीडियो को एंड कर दूँ, कल एक नया ब्लॉग लाऊंगी, अच्छे से दिखाऊंगी आप लोगों को वीडियो बना, बट कल तो पूरा दिन घर पे ही रहूँगी, कहीं जाऊँगी नहीं, घर पे रह के क्या वीडियो बनाऊँ, कुछ नहीं, बोरिंग से.
लास्ट है ये रोटी कर लेती। भाजी गरम करना है, दूध गरम करना है, अभी देखिए हमारे तोनू मोनू को सनलाइट सनलाइट ले रहे हैं, ये देने से इन लोगों को थोड़ा ताकत आता है, इनका जो सेल्स है ये थोड़ा मजबूत होगा, ये लोग बड़े होंगे और ताकतवर होंगे, जो कैल्शियम हम लोगों को भी लगता है सनलाइट तो इन लोगों को भी लगता है, धूप अगर नहीं मिलता है तो ये देते हैं रात को, देने से थोड़ा इन लोगों को डाइजेस्ट में भी काम आता है बहुत, हम लोगों को जैसे धूप लगता है ये लोगों को भी लगता है तो ये देते हैं। ये सनलाइट लाइट लगा हुआ है डायरेक्ट इधर से इधर, ये निकाल सकते मैंने बनाया ये, देखिए ये लोग मज़ा ले रहा है। हाइट 1.5 फुट तो मैंने मेरे हाथ माप के हाथों से एकदम नाप के 1.5 फुट पूरा नाप के दिया है, 1.5 फुट या 2 फुट बोला है डॉक्टर ने पर मैंने 1.5 फुट दिया है, इतना नहीं आता है कम आता है। तो चलिए आप लोगों का मैडम क्या कर रहे हैं देखिए, सोजा कर दीजिए नहीं शांति। भाजी गरम हो रहा है, गरम करूंगी। आज के लिए इतना था कि यही पे एंड करती हूँ, कल मिलेंगे एक अच्छा ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।